हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल टेक्निकल एम के डियर में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री सिलाई मशीन के बारे में। तो फ्रेंड, भारत सरकार इस समय फ्री में सिलाई मशीन दे रही है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि किस किस को फ्री में सिलाई मशीन मिलेगा और ये इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं पत्रिका.com की तरफ से एक आर्टिकल लिखा गया है, फ्री में मिलेगी सिलाई मशीन, जानिए आवेदन करने का पूरा प्रोसेस, इन राज्य के लोग कर सकते हैं अप्लाई। तो इसमें पूरा डिटेल बताया गया कि किस राज्य के लोग कर सकते हैं और किस राज्य में नहीं कर सकते हैं और इसका क्या प्रोसेस है। तो फ्रेंड, चलिए मैं आपको पूरा डिटेल्स बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाईलाइट्स, मोदी सरकार द्वारा देश के गरीब और श्रमिक महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन देती है। महिलाएं सिलाई मशीन प्राप्त करके अपना खुद का घर बैठे रोजगार शुरू कर सकती हैं। इस योजना के अंतर्गत देश की जो इच्छुक महिलाएं फ्री सिलाई मशीन लेना चाहती हैं उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है, केंद्र सरकार महिलाओं को रोजगार मिले इसके लिए कई योजनाएं चला रही है। इसी क्रम में एक योजना है फ्री सिलाई मशीन योजना, जो महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत मोदी सरकार द्वारा देश के गरीब और श्रमिक महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन देती है। महिलाएं सिलाई मशीन प्राप्त करके अपना खुद का घर बैठे रोजगार शुरू कर सकती हैं, जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। इस योजना की खास बात यह है कि इस योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों जगहों पर रहने वाली महिलाओं को दी जाएंगी। इस योजना के अंतर्गत देश की जो इच्छुक महिलाएं सिलाई मशीन लेना चाहती हैं उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। योजना में 20 से 40 वर्ष की आयु की महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं 20 वर्ष से और 40 वर्ष के बीच में जो महिलाएं हैं वही आवेदन कर सकती हैं और ये ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए है। उसके बाद फ्रेंड बात करते हैं कि किन राज्यों में ये लागू किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिलाई मशीन योजना को इस समय केवल कुछ ही राज्यों में लागू किया गया है, जैसे हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार आदि। वहीं कुछ समय बाद इस योजना को पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड, इसके अलावा जो भी राज्य हैं उसमें भी कुछ टाइम के बाद वहां पर भी लागू हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। इसके आवेदन के लिए आपको आवेदित का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, यदि विकलांग है तो विकलांग चिकित्सा प्रमाण पत्र, यदि कोई महिला विधवा है तो उसका निराश्रित विधवा प्रमाण पत्र, सामुदायिक प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी, तभी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस योजना के तहत अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं www.india.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद आपको वहाँ से आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर आदि भरना होगा। सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने दस्तावेजों को, फोटोकॉपी को अपने आवेदन फॉर्म से अटैच करके अपने संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा। इसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म को कार्यालय के अधिकारी द्वारा जांच किया जाएगा। जांच करने के बाद आपको निशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी। तो फ्रेंड, इससे जुड़ी कुछ और खास बात मैं आपको बता देता हूं कि जो 20 साल से और 40 साल के बीच में महिलाएं हैं वही केवल इसका फॉर्म भर सकती हैं। उसके बाद यहां पे लिखा है, देश की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं ही इस योजना की हकदार होंगी। देश की विधवा और विकलांग महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपने जाना कि कौन कौन सी महिलाएं इसका आवेदन कर सकती हैं और किस राज्य में इसका आवेदन हो रहा है। तो फ्रेंड, ये छोटी सी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।